Why 98.75% droppers fail in NEET 24? हाँ, I can understand कि ये काफी दुख भरी न्यूज है, but it's a fact, we have to accept it. बच्चों, ये real percentile values हैं, 98.75 के अबव ही आप लोगों को proper government colleges मिलते हैं in NEET के exam. और NEET 24 is supposed to be a bit of tougher exam. तो मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूं कि 98% लोग भी अगर यहां पे फेल हो रहे हैं, तो दैट्स अ बैड न्यूज फॉर एवरीवन ऑफ अस. तो सारे ड्रॉपर्स क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से दे हैव टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंस, जहां पे उनके 98% यानी मेजोरिटी ऑफ क्राउड फेल होने वाली है. अब तुम सोच रहे हो कि ये डेटा कहां से मैं लेके आया, कहां से मैंने एक्वायर किया. प्यारे बच्चों, पिछले 5 साल का डेटा उठा के आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि 99% के आसपास तक आप लोगों को एक अच्छी रैंक मिलती है. 40-50,000 तक रैंक क्लोज हो जाती है 98.5 पे, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर अ सीट इन मेडिकल एग्जामिनेशन. आप तो जानते हो 20 लाख लोग इस भीड़ में भाग रहे हैं अंधों की तरह, और वहां पे इस भीड़ से बाहर निकल के अपने आप को एक पोजीशन देना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. तो आज शायद इसे आप एक नेगेटिव मोटिवेशन ही समझे. आई ब्रॉट अप विद दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक व्हिच इज कि इस बार आप लोग फेल हो रहे हैं. यस यार, है ना, मैं जानबूझ के इस बार थोड़ा डिफरेंट लेके आया हूं एक नेगेटिव मोटिवेशन देने के लिए. देखिए क्यों ऐसा हो रहा है. द नंबर वन केस इज नो रेगुलर स्टडी. आप लोग रेगुलरली स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं. वी आर प्रिटेंडिंग लाइक स्टडी, वी अटेम्प्ट द क्लास, हम लोग क्लासेस में मजे करते हैं एंड हम लोग घर जाने के बाद में एक बार भी रिवाइज नहीं करते हैं. वी आर नॉट गिविंग एटलीस्ट 4 to 6 hours स्टडी, जो कि सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. दिस स्टडी डजंट कंटेन योर लेक्चर्स, योर स्कूलिंग, योर YT सेशंस, नथिंग. ये सिर्फ क्या कैरी करती है, ये सेल्फ स्टडी होती है. एंड अगर एवरी डे इफ यू कांट गिव योर सेल्फ 4 to 6 hours, तो हम लोग बस सिर्फ बुद्धू बना रहे हैं अपने आप को, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को. नंबर टू, आप सेम डे लेक्चर अटेंड करके रिवाइज नहीं कर रहे. इस पॉइंट की वजह से यू कैन बी इन अ ट्रबल. बच्चों, लेट अस टेक इट एज अ नेगेटिव मोटिवेशन, बट हां, ये फैक्ट है. अगर आप लोगों ने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया तो फॉरगेट इट. एवरी मशीन वर्क्स लाइक दिस. किसी की एफिशिएंसी 100% नहीं होती. मैंने कहीं से पढ़ा, मुझे 80% समझ में आया. मैंने आपको समझाया, आपको उस 80% समझ में आया, 64% रह गया. जब आप किसी को समझाएंगे तो अगेन 80%, 64 का भी 80% कुछ 40s में आएगा. क्या मीनिंग है इस चीज का? इसका मीनिंग है कि अगर सेम डे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे. डे टू डे, थ्री डे, कपल ऑफ डेज, वीकली बाद में ये सारी चीजें वैनिश हो जाएंगी. नंबर थ्री, यू लव टू रोम अराउंड सो मेनी चैनल्स. आप हजार तरह के वीडियोज देखते हैं, हजार तरह के लोगों की बातें सुनते हैं. इसका भी आपने डीपीपी लगा लिया, उसका भी डीपीपी ले लिया, इसका भी कंटेंट ले लिया. अरे घर में लाइब्रेरी खोल रहे हो क्या यार? अगर घर में लाइब्रेरी आपने खोल ली है तो इस लाइब्रेरी के अंदर से बुक्स ही जमा हो सकती हैं. इन बुक्स की नॉलेज हमारे दिमाग में नहीं. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. तो वेरी 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 मच सजेस्टेड थिंग इज टू रेस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लोगों की डिमांड पे आई स्टार्टेड माई केमिस्ट्री सेशन विद फिजिकल. मैं इनऑर्गेनिक पे आया बिकॉज आई थॉट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल. केमिकल आपका जो चैप्टर है अपना, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत बड़ी नीड आई. उस नीड को फुलफिल करने के लिए आई केम अप विद योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने पीरियोडिक टेबल आपको करवाया, केमिकल बॉन्डिंग करवाया, मैं भूल गया था नाम, सॉरी. एनीवेज, बी स्ट्रिक्ट हियर. तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात यह है कि इससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ कैरिकुलम यू पीपल आर फॉलोइंग. आई एवरी डे टेक लेक्चर्स. मैं हर दिन कुछ बच्चों से हमेशा मिलता हूं, दो दो बार मिलता हूं दिन में, लेकिन हर बार मुझे ऐसा ही फीडबैक मिल रहा है. पीपल आर जस्ट रनिंग अराउंड सो मेनी रिसोर्सेज एंड दिस इज वेयर दे आर किलिंग देयर एनर्जीज. अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, उसे स्टोर करके रखिए, उसे यूटिलाइज कीजिए एक प्रॉपर चैनल तरीके से. सो एनसीईआरटी आर द बेस्ट रिसोर्सेज, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. उनको अपना दोस्त बनाएं और उस पर फोकस करें. नेक्स्ट, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं हमारी. वी डू नॉट फॉलो आवर मेंटर्स ना, यही तो प्रॉब्लम है. मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं. मैंने कितनी बार समझाया आप लोगों को कि हजार तरह के चैनल्स के ऊपर ताका झाकी बंद कर दो. वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट केमिस्ट्री का पूरे इंडिया में. बेस्ट कंटेंट मेरा, इसकी मैं गारंटी देता हूं. मैंने कोटा से अपनी कोचिंग के टाइम में तैयारी की.
सेम कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझ के मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया, वही चीज को यूटिलाइज करके आपके एग्जाम क्लियर करवा रहा हूं मैं यहां पे, सो बिकॉज आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। बट आप लोग क्या करें, यू आर नॉट फॉलोइंग इट, और अगर आप नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली गाइस आप उन्हीं 98.75% लोगों में से हैं जो नहीं फॉलो कर रहे हैं। व्हाई आर दे फेलिंग? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर, नो डिटेल्ड लेक्चर। ये यूट्यूब की दुनिया, फैसिनेटिंग दुनिया, जहां पे बच्चों ये वो हंसी मजाक, नाच कूद, गाने, एंड वी पीपल आर वेरी मच अम्यूज्ड। हम लोगों को मजा आता है, हम लोगों को लगता है कि यही चीजें इंजॉय करने की हैं, इन्हें देखो, इनसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नो बच्चों, आप मुझे आज गलत पर्सन समझ सकते हैं, एंड काफी सारे बच्चों ने मुझे इस जर्नी में गलत समझा है। मैंने इससे पहले भी काफी अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, कई बार बच्चों ने मुझे गालियां दी हैं मीनवाइल द क्लास, अपने मन में एंड फ्रेंकली नॉट फिजिकली बट या, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको लगता है कि मैं उनको जबरदस्ती पुश कर रहा हूं, उनसे बेस्ट आउटकम निकाल पाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिस दिन उनका सिलेक्शन हुआ दे थैंक मी। तो यही प्रोसीजर होता है बच्चों, जब तक के आग के अंदर तपेंगे नहीं तब तक सोना बन के निखरेंगे नहीं। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को डिटेल में लेक्चर कोई पढ़ाए, मेरे जैसे कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन आपको बहुत नीडेड है। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो हो सकता है 300-400 मार्क्स आप स्कोर कर लें, लेकिन नीट की दुनिया और नीट का वो मंजिल हमसे बहुत दूर है। नेक्स्ट देखेंगे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। यू एवरी डे वेक अप, यू मेक योर ऑन टाइम टेबल, एंड द टाइम टेबल कंटेन्स सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स इन स्टडी, बट डू यू प्रोवाइड इट? यू डोंट। आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे इसीलिए शायद आप 98.75% लोगों में से जो कि क्रैक नहीं कर पाएंगे नीट का एग्जाम। द ओनली रेस्ट 1.25% ही क्रैक कर पाते हैं। हर 100 के अंदर बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या आप उनमें से हैं? अगर आप उनमें से हैं, देन बिलीव ऑन द रियलिस्टिक टाइम टेबल, मेक योर टास्क एवरी डे, मेक अ टू डू लिस्ट, एंड अंटिल अनलेस यू रिचीव, यू अचीव योर टारगेट और यू रीच टू योर गोल्स, तब तक आप हिले नहीं, हटे नहीं, डटे रहे। नेक्स्ट इज मी बच्चों, माय नेम इज संजय आर्या, आई एम योर केमिस्ट्री विजर्ड, अवेलेबल बाय दिस केमिस्ट्री विजर्ड आईडी। बच्चों आप लोगों को कभी भी लगता है, एनी टाइम एनी डे इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, आपको लगता है कि आपकी इस जर्नी में, नीट की इस करियर बिल्डिंग जर्नी में आपको कहीं भी कोई ब्लॉकर मिलता है, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम ऑलवेज देयर। मैं हमेशा एक दीवार की तरह खड़ा हुआ हूं। जस्ट रीच आउट टू मी, लेट मी नो योर प्रॉब्लम्स, गेट द सोल्यूशन, बट प्लीज जल्दी से रिकवर हो जाओ एंड अगेन स्टार्ट योर जर्नी विद अनादर बूस्ट, अनादर जोश, एंड यू कैन ब्रिंग इट दैट आई नो। ऑल द वेरी बेस्ट।